भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने होने वाली अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका का एक और बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के हिसाब से ऐतिहासिक साबित होगी। हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एली रेटनर ने गुरुवार को सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में एक पैनल डिस्कशन के दौरान कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के आखिर में राजकीय यात्रा के लिए वॉशिंगटन आएंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के संबंधों में नए मानदंड स्थापित करने वाली ऐतिहासिक यात्रा साबित होगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसे उसी तरह से देखा जाएगा जैसे इस साल की शुरुआत में जापान के साथ 2+2 वार्ता को रिश्ते में एक महत्वपूर्ण पल के रूप में देखा गया। लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को अमेरिका भारत संबंधों में एक वास्तविक छलांग के रूप में देखेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नियोते पर अमेरिका की राजकीय यात्रा करेंगे। वो 21 से 24 जून को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। रेटनर ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कई द्विपक्षीय मुद्दों को आगे बढ़ाने और विशेष समझौतों और योजनाओं को आखिरी रूप देने के वास्ते प्रधानमंत्री की वॉशिंगटन यात्रा की जमीन तैयार करने के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया था। उन्होंने कहा, रक्षा से संबंधित मामलों में अमेरिका और भारत के बीच सह विकास और सह उत्पादन के मुद्दे को लेकर स्पष्ट रणनीतिक योजनाएं कायम करना इस यात्रा की प्राथमिकता होगी। भारत के स्वदेशी रक्षा औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ सैन्य आधुनिकीकरण को रफ्तार देना पीएम मोदी के लिए प्राथमिकता रही है।